ऐसा है, देखिए मैं आपको वैसे एक बात कह दूं, मैंने कि देखिए भगवान राम भी ठाकुर थे, भगवान कृष्ण भी ठाकुर थे, ठीक है नहीं, जितने मैक्सिमम ऋषि मुनि हुए सब ठाकुर थे। लेकिन अब हम उस विषय में क्या बताएं, दरअसल लोगों की सोच वो भावना, आदरणीय योगी जी ने कोई गलत कंसेप्ट नहीं था, लेकिन सुन लीजिए मैं बता दूं, योगी जी का कहना ये था चाहते तो भगवान राम किसी अपने ननसार से भी ले सकते थे सहयोग, लेकिन उन्होंने ये सोचा वंचित दलित ऐसे लोग, क्योंकि भगवान हनुमान जी भगवान हैं, और भगवान जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण के बाद तुलसीकृत रामायण आई है, इसलिए हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि 1,92,00,000 पुराना हमारा इतिहास है, 2,250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं है, 1,450 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं है, 450 साल पहले खालसा पंथ का कोई इतिहास नहीं है, धर्म केवल विश्व में एक है सनातन धर्म, और सनातन धर्म से ये सारी ब्रांचेज हैं, ये शाखाएं निकली हुई हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जाति बिरादरी तो जिस परिवेश में जो काम करते रहा वो रहा, नहीं सब मानव पैदा हुए, भगवान ने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, आपने देखा होगा भिल्ली का इंसान भगवान की जाति बना रहा है। अब वो देखिए कहने का अर्थ तात्पर्य उनका ये नहीं था, आशय उनका गलत निकाला, मुख्यमंत्री जी ने बताया लेकिन मुसलमान बता दिए, फिर लक्ष्मी नारायण जी ने जाट बता दिए, ये मुसलमान भी सब हिंदू थे, क्रिश्चियन भी सारे हिंदू थे, और ये सब सनातन धर्मी थे, जैन भी सनातन धर्मी है। भगवान इंसान जो आदमी था वो भगवान मानता था, लेकिन अब अलग दृष्टि से देख रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, हमने इसीलिए पूछा कहीं ठाकुर तो नहीं थे, कहीं ठाकुर पीछे रह जाए। नहीं ठाकुर तो पूरा देखिए, ठाकुर जी महाराज तो आपके यहाँ पैदा हुए, जन्म लिया क्या नहीं, ठाकुर जी महाराज ने जन्म लिया, जिनकी हम और आप सब चरण वंदना करते हैं, और मैं आपको बताऊं त्याग तपस्या और बलिदान वही ठाकुर है, जिसका त्याग तपस्या और बलिदान, और बाकी आपने देखा होगा औरंगजेब ने अपने बाप को काट के मार के कैद करके सत्ता हासिल की, हमारे यहाँ 5,000 वर्ष राजाओं का शासन रहा है। आप माना जाए कि मतलब हनुमान जी अब ठाकुर भी थे, क्यों नहीं, क्या बुराई है, क्या बुराई है ये बताइए, के सब भगवान ठाकुर पैदा हुए इसलिए हुए त्याग तपस्या और बलिदान।